सात साल लाइक like मुझको सात साल हो चुके हैं इस कॉन्टेंट क्रिएशन की दुनिया में लाइक like जब मैंने शुरू किया था ना तो इन दिनों में काफ़ी सिंपलिस्टिक याट रियली अमेजिंग वीफ एक्स वीडियोज़ बनाया करता था लेकिन आज भी काफ़ी सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट एस्पायरिंग कॉन्टेंट क्रिएटर्स उतना भी नहीं बना पा रहे हैं लाइक डोंट गेट मी रॉन्ग समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी सो दैट यू कैन इम्प्रूव क्योंकि उनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो कि ये एक्सक्यूज देते हैं कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है लेट मी टेल यू वन थिंग आज से सात साल पहले भी मेरे पे रिसोर्सेज नहीं थे जो रिसोर्सेज आज तुम्हारे पास हैं वो भी मेरे पास थे येट मैंने उस टाइम भी अपना एक नाम बनाया था उस टाइम में म्यूजिकली वगैरह पे बनाया करता था कुछ यूनिक लेके आया था मैं उस टाइम पे भी क्योंकि प्रॉब्लम पता है रिसोर्सेज की नहीं क्रिएटिव माइंड की है मुझे ऐसे अमेजिंग आइडियाज़ आते थे जिन्हें बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था एज़ कम्पेयर टू नाव अभी के कंटेंट से कंपेयर किया जाए हाँ वो बहुत ही ज़्यादा सिंपलिस्टिक थे लेकिन वो चलते थे लोग तब भी इम्प्रेस थे तो ऐसा क्या था जो मेरे पास उस टाइम था और तुम लोग वो चीज़ लैक कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ फिगर आउट करेंगे कि वी इतना टफ नहीं है जितना तुम्हें लगता है सो आज से ना अपन एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्रिएट विद कोवर जिसमें मैं तुम्हें बिगनर टू एडवांस लेवल के वी एफ एक्स टूटोरियल्स दूंगा नॉट लाइक like दैट टिपिकल ट्यूटोरियल्स के तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहा हूँ बट इट विल बी अ ग्रेट वॉक थ्रू क्योंकि मैंने और अमन ने मिलकर एक चैनल पर ने डिसाइड तो किया था ट्यूटोरियल्स का लेकिन वो क्योंकि हमारा नहीं था तो हम पे कोई पावर नहीं थी उसके ऊपर उसके कंटेंट के ऊपर अब क्योंकि ये मैं अपने चैनल पर डाल रहा हूँ तो मेरे पास काफी क्रिएटिव फ्रीडम है और ये जो सीरीज है क्रिएट विद कोवर अपन महीने में एक बार तो जरूर बनाएंगे क्योंकि कंटेंट अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है आई मीन चेंज नहीं होने वाला है थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है लाइक like मैं हमेशा एक महीने बाद कोई एक रिक्रिएशन टाइप वीडियो बनाता था लेकिन अब से क्या होगा कि वो रिक्रिएशन वीडियो भी आएगी लेकिन उसके साथ साथ क्रिएट विद कोवर की एक एपिसोड हर महीने जरूर आएगा और भी जैसे कि वी एफ एक्स ब्रेकडाउन वीडियो में आएंगी ये सब चीजें मैंने प्लान करी है लेट सी कि क्या हम इसे कर पाते हैं कि नहीं तो so शुरू करते हैं बिना किसी का कहती कि अब तुम इस वीडियो को देखो ये मैंने 2021 में बनाई थी और इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल एडिटिंग है वैसे तो मैंने आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया था लेकिन तुम कोई भी लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर से इसको बना सकते हो तो सो आज की इस वीडियो में हम एक चैलेंज लेते हैं मैं आफ्टर इफेक्ट जैसा कॉम्प्लिकेड सॉफ्टवेयर यूज नहीं करूंगा अपन एक फ्री और एक सिंपल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसका नाम है वंडर शेयर फिल्मोरा ट्वेल्व ये एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ऑब्वियसली फ्री है आफ्टर इफेक्ट्स पेड होता है तो हम इसका यूज करेंगे सो so, इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा शूटिंग अगर आप लोग पोस्ट में मेहनत नहीं करना चाहते पोस्ट में एडिटिंग में ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो ऑब्वियसली आपको शूटिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा लाइक like इस वीडियो को जो चीज खास बनाती है वो उसकी एक ट्रांजिशन है लाइक like एक नॉर्मल लाइटिंग सेटअप है फिर एकदम से लाइट ऑफ होती है और एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइट आती है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें भी अपना ये चीज शूट करनी पड़ेगी विद टू कंडीशन एक नॉर्मल लाइटिंग में और दूसरी थोड़ी ड्रामेटिक लाइटिंग में और एक पार्ट ले लेना ब्लैंक विदाउट एनी लाइट ताकि वो तुम्हें ट्रांजिशन में स्विच करने में मदद मिले तो शूटिंग क्लियर हो गई अब सीधे चलते हैं अपनी एडिटिंग सॉफ्टवेयर फिल्मोरा ट्वेल्व पे मैंने सॉफ्टवेयर को यूज किया और ये बहुत ही ज्यादा इजी है लाइक like इसमें सब चीजों पे ना बस एक सिंपल सा नाम लगा आपको बटन दबाना है और वो इफेक्ट आपके में बन के तैयार हो जाएगा और ये काफी सिंपल है और ये काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है लाइक like इसको बिल्कुल भी हल्के में मत ले लेना इसमें काफ़ी अमेजिंग ए टूल्स हैं जो कि तुम्हारे काम को काफ़ी आसान कर सकते हैं मैंने ए के ऊपर भी एक वीडियो बनाया अगर तुमने वो नहीं देखा तुम जाके देख सकते हो और उसमें मैंने एक ए टूल का यूज़ किया था जिससे आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है वो इसमें ऑलरेडी बिल्ट है सो so ये काफी अच्छी चीज है तो so, जब आप इस सॉफ्टवेयर को खोल दो तो अपना सबसे पहला काम होगा कि हमें फाइल्स को इम्पोर्ट करना है जो कि इसमें खोलते ही समझ में आता है कि इम्पोर्ट कैसे होगा यहाँ पे तो हमें क्लिक करना है और अपनी हमें तीन फाइल्स इंपोर्ट करनी है एक होगी जो हमने शूट करी है दूसरी होगी हमारी र्यूब की और तीसरी होगी हमारी ग्लोइंग आईस की ये तीनों फाइल्स तुम्हें तो वैसे इंटरनेट में मिल जाएंगी लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तुम इसे यूज कर पाओ सो so, जो रॉ फाइल है उसको अपन यहाँ पे ड्रैगन ड्रॉप कर देंगे अपनी टाइमलाइन में और तुम एक चीज नोटिस कर सकते हो क्योंकि हमने इसको वर्टिकली शूट किया था तो ये एक्चुअल में मेंॉरिजोनटली शो हो रही है तो उसके लिए फाइल में फिर वहां से प्रोजेक्ट मैनेजर में जाएंगे और वहां से से है, उसको में रोटेट करना है यहाँ पे जाके तुम क्लिक कर दोगे फाइल रोटेट हो जाएगी अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इसकी टाइमलाइन में देख सकते हो यहाँ पे एक कैचिका आयकर तुम इसे क्लिक करोगे तो वीडियो कट हो जाएगी अब हमें कट कहां पर हमको पहले चाहिए स्मॉल बेस फाइल हमारी नॉर्मल लाइटिंग है फिर एक क्लिप लेंगे जिसमें हमारी कोई भी लाइटिंग नहीं है वो ट्रांजिशन में काम आएंगे

कि अगर वो नहीं करोगे तो जब भी तुम टच करोगे तो ऊपर वाली लेयर ही बार बार मूव होगी वो डिस्प्लेस हम नहीं करना चाहते तो एक बार ऊपर वाली लेयर को ऑफ कर देना उसके बाद ही इसको मूव करना सो so एक बार जब ये प्लेस हो जाए तो हमें इसको भी डुप्लीकेट करना है हमको दो इमेजेस चाहिए होंगी क्योंकि हम इसमें कलर करेक्शन करने वाले हैं क्योंकि जो मेरी जो लाइट है वो एक साइड से आ रही है और जो दूसरी साइड वो डार्क है तो उसकी जो हम कलर करेक्शन वगैरह करेंगे मैं बताता हूँ वो हम कैसे करेंगे इसको ऑब्वियस बात है डुप्लीकेट करना है कॉपी पेस्ट करना है फिर एक के ऊपर एक लगा देना है फिर जो ऊपर वाली लेयर को एक बार ऑफ कर देंगे और जो नीचे वाली लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर टाइप पे जाएंगे और वहां से अपन जो इसकी एक्सपोजर और ब्राइटनेस है उसको बिल्कुल ही कम कर देंगे ताकि ये काफी ज्यादा डार्क हो जाए उसके बाद हम ऊपर वाली जो लेयर उसको ऑन कर देंगे फिर उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाके इमेजेस में जाके मास्क में जाके हम एक मास्क बनाएंगे और हम जो भी मास्क बनाएंगे हम उसके चेहरे के एक साइड पे एक मास्क बनाएंगे और जैसे ही मास्क बन जाए उसके बाद हम इसको फैदर कर देंगे ताकि ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस ना लगे हमें ऐसा लगे कि क्योंकि जो फेस है वो फॉरवर्ड है तो जो लाइट के सबसे ज्यादा क्लोज हो वो फेस का ये वाला पार्ट है इसलिए ब्राइट अप होना चाहिए और बाकी वाला डार्क होना चाहिए क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट में थोड़ी शेडोज है अब इसको भी अपन कलर में जाकर थोड़ा बहुत कलर चेंज कर देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है तो मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा डल कर देता हूँ तो हमको एक डिसेंट साइ कंपोजिट मिल जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा एडिंग ग्लोइंग आईज अब ग्लोइंग आईज को एड करने के लिए हमें एक फीचर यूज करेंगे इसका नाम है हमारा मोशन ट्रैकिंग उसके लिए अपन क्या करेंगे पहले तो हम इसको जूम कर देंगे हंड्रेड पे फिर जो ऊपर वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ए टूल्स में जाके मोशन ट्रैकिंग को ऑन कर देंगे फिर एक बॉक्स बन जाएगा उस बॉक्स को हम अपनी आंख के पास प्लेस करेंगे फिर यहाँ पे क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग पे क्लिक कर देंगे और जो हमारी आई है वो प्रॉपरली ट्रैक हो जाएगी ट्रैक के लिए मैं एक चीज बता दू हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम कोई भी ट्रैक करो तो ऐसे पॉइंट पे उस, उस ट्रैकर को रखना जहां पे हो डिफरेंस हो कलर डिफरेंस बहुत जैसे कि ब्लैक और व्हाइट के बीच वाला पॉइंट जो कि मेरे आईज का पॉइंट है एक बार जब मोशन ट्रैकिंग हो जाए उस, उसके बाद अपन क्या करेंगे जो हमारी ग्लोइंग का जो जी है उसको अपन टाइमलाइन में ड्रॉप कर देंगे और उसको सबसे ऊपर रखेंगे जैसे हम इसको टाइमलाइन पर रख देंगे उसके बाद फिर अपन जाएंगे कंपोजिटिंग में जाके इसको स्क्रीन कर देंगे जिससे हमारा जो ब्लैक पार्ट है वो हट जाएगा फिर इसकी जो राइट आई है वो अपनी राइट आई के साथ हम मैच करनी कोशिश करेंगे और फिर मास्क मास्क टूल की मदद मतलब से अपन उसको मास्क कर देंगे ताकि मैं सिर्फ राइट आई ही प्लेस हो फिर अपन अपनी जो सब्जेक्ट वाली लेयर है उसको सिलेक्ट करके मोशन ट्रैकिंग में से अपन चूज करेंगे कि ये ये जो ट्रैकर है ये किस पे लगना चाहिए उसमें से अपन जो आई वाली लेयर है उसको सिलेक्ट कर देंगे और जब आप प्ले करके देखोगे तो आपकी जो आई है वो ट्रैक हो चुकी है अब ऐसे ही हम सिमिलरली अपनी लेफ्ट आई के साथ भी करेंगे तो इससे जो तुम्हारी दोनों आईज है वो ट्रैक हो जाएंगी और जब आप वीडियो को प्ले करोगे तो आपकी व्यूक भी आपके सीन में आ चुका और आपकी आईज भी रेड हो चुकी है तो चलते हैं हमने फाइनल स्टेप में जो की है फाइनल एडजस्टमेंट इसमें अपन क्या करेंगे इसमें हमें दो चीजें करनी है पहली चीज तो है की अपन को थोड़ा कैमरा शेक लेके आना है जो अपना फाइनल वाला पार्ट है उसमें थोड़ा कैमरा शेक होना चाहिए कैमरा मूवमेंट ताकि वो स्टिल इमेज जैसा ना लगे

मात्र में को उसको बनाने में सिर्फ पांच मिनट लगे थे क्योंकि मैंने पहले ही बना रखा तो मेरे को आसानी हुई थी लेकिन तुम्हें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो मैं एक बार ये जो मैंने स्टेप बोला इनको फॉलो अप करना तो ये तुमसे भी बन जाएगा और इस तरह के फैक्ट को अंडर एस्टिमेट मत किया करो क्योंकि ये जो वीडियो मैंने टू में बनाया था और ये बहुत ज्यादा चला था इंस्टाग्राम पे लाइक लोग इंप्रेस हो गए तो अगर आप कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी में हो और आप वी एफ टाइप कंटेंट बनाना चाहते हो तो इस तरह की वीडियो को ना इग्नोर मत किया करो क्योंकि ये ईजी है ईजी टू मेक है और लोगों को इंप्रेस

कि तुम इसको एक बार ट्राई जरूर करना कर तुम बिगनर लेवल पे हो और अगर तुम थोड़े इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो मैं चाहते हो कि इन्वायरमेंट बिल्ड करना चाहते हो ब्लेंडर में तो तुम मेरा ये कोर्स ट्राई कर सकते हो इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है तुम एक बार इसको ट्राई कर सकते हो और ऑल्सो तुम्हें शायद ये मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा हो क्योंकि मैं एक नई जगह पे आ चुका हूँ ये मेरा एक नया स्टूडियो है जो मेरा पहला स्टूडियो था उससे उससे तो ऑब्वियसली बेटर नहीं है बट स्टिल इस पेटी का तुम चाहते हो मैं तुम्हें दिखाऊँ तो तुम मेरे को कमेंट में बता देना कि एक स्टूडियो टूर कर दो तो वो मैं कर दूंगा क्योंकि बिकॉज इसमें रूम थोड़ा सा इतना खास नहीं है बट जो मेरा सिस्टम है जैसे कि तुमने एक चीज नोटिस करी मैंने सिस्टम अपग्रेड किया है वो काफी अच्छा है सो मेरे को बात